समय की अपनी सीमा है, आप सबको भी घर जाना है। अब केवल निवेदन है मेरा, थोड़ी देर बैठ जाइए, बस दो कवि शेष है, आदरणीय मीरा जी को पढ़ना है, वो विशेष है और मैं अब शेष हूँ। आदरणीय हेम दादा का आशीर्वाद देना है, बस थोड़ी देर के लिए शांत। बस मैं मीरा जी को निवेदन करता हूँ, ज्यादा भूमिका की आवश्यकता नहीं है, आप सब सुन चुके हैं सब कुछ। रूप सजने के लिए एक दर्पण चाहिए, रास रचने के लिए एक मधुबन चाहिए, तो समय की बांसुरी की गुनगुनाहट से भरे गीत सुनने के लिए बस एक गीत संबंध में चाहिए। आप मन बनाइए, आदरणीय मीरा तिवारी जी आपके घर के, आपकी अपनी बेटी। आप सभी को पुनः नमन करती हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन यहाँ पर चला है। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि अखिलेश द्विवेदी ने जी ने आपको बहुत गुदगुदाया है। एक बार मैं चाहती हूँ द्विवेदी जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। चार पंक्ति से शुरुआत करती हूँ। मंच पर आसीन दादा बैठे हुए हैं, प्रणाम करते हुए आदेश लेते हुए मैं चार पंक्ति निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कभी रोते कभी हंसते, कभी चुपचाप आए हैं, खुशी और गम के जीवन में अनेकों ठाव आए हैं, जहां खुशियां ही खुशियां हैं, नहीं है गम की परछाई, जहां खुशियां ही खुशियां हैं, नहीं है गम की परछाई, इसी चल कर हम बरामदा गांव आए हैं। बहुत बहुत आभार आपका। ये गांव बहुत सुंदर गांव है और यहाँ पर इतने योग्य सब बैठे हुए हैं। मैं सभी को नमन करती हूँ, आदरणीय पंकज भैया जी को नमन करती हूँ, उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया। एक छंद उनके लिए लिखा है मैंने, अगर आप सब आदेश करें तो सुना दूं। बस एक दो मुक्तक पढ़ूंगी और अपना स्थान ले लूंगी, आदरणीय दादा तक पहुँचना है हमें। सुनिएगा, एक छंद पढ़ती हूँ भैया जी के लिए कि गाँव गाँव ठाव ठाव में बना हुआ प्रभाव, आपके प्रभाव को प्रणाम करते हैं हम, गाँव गाँव ठाव ठाव में बना हुआ प्रभाव, आपके प्रभाव को प्रणाम करते हैं हम, और कहीं न रहे अभाव आपका है वह स्वभाव, आपके स्वभाव को प्रणाम करते हैं हम, आपके स्वभाव को प्रणाम करते हैं हम, और मन में है सेवा भाव और सभी से लगाओ, मन में है सेवा भाव और सभी से लगाओ, ऐसे सद्भाव को प्रणाम करते हैं हम, ऐसे सद्भाव को प्रणाम करते हैं हम, और भूल देना आओ भाव बिना किसी भेदभाव, भूल देना आओ भाव बिना किसी भेदभाव, आपके उछाव को आपके उछाव को प्रणाम करते हैं हम, आपके उछाव को प्रणाम करते हैं हम। और चार पंक्ति कुछ विशेष पंक्ति मेरे जीवन की रही हैं। आज अपने आंगन में पढ़ने का पहला सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पूरा आशीर्वाद दें, अभी पूरे देश में यात्रा बाकी है। मैं चार पंक्ति पढ़ती हूँ कि मिलन तो बाद में होगा, अभी दीदार बाकी है, क्या बात है? मिलन तो बाद में होगा, अभी दीदार बाकी है, मिले मंजिल भला कैसे, अभी किरदार बाकी है, बहुत है दूर चलना भी अंधेरा है बहुत गहरा, बहुत है दूर चलना भी अंधेरा है बहुत गहरा, चढ़ी दरिया में लेकर ना वो जाना पार बाकी है,
चढ़ी दरिया में लेकर नाव जाना पार बाकी है। और चार पंक्ति और सुनिएगा, मेरे जीवन की पूरी कहानी इस चार पंक्ति में आपको सुनाती हूँ। सुनिएगा कि गरल पी कर रहे जिंदा, ये अपनी जिंदगानी है। अगर ये सच्ची पंक्तियां हो तो आप सब मेरे भाई बंधु हो, मुझे तालियों से बताइएगा कि मैंने चार पंक्ति सच्ची पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। सुनिएगा, स्वागत स्वागत। गरल पी कर रहे जिंदा, ये अपनी जिंदगानी है। हमारा दर्द से रिश्ता, ये रिश्ता खानदानी है। हमारा दर्द से रिश्ता, ये रिश्ता खानदानी है। दर्द पे दर्द ही देती रही बेदर्द ये दुनिया, दर्द पे दर्द ही देती रही बेदर्द। क्या बात है, तालियां एक बार बनती हैं। क्या पंक्तियां, बहुत आभार रुचि जी का जिन्होंने आपको बहुत सुंदर। हमारा दर्द से रिश्ता खानदानी है, वाह। सुनिएगा चार पंक्ति। गरल पी कर रहे जिंदा, ये अपनी जिंदगानी है। हमारा दर्द से रिश्ता, ये रिश्ता खानदानी है। दर्द पे दर्द ही देती रही बेदर्द ये दुनिया, दर्द पे दर्द ही देती रही बेदर्द ये दुनिया। दर्द से गीत बन जाते, ये रब की मेहरबानी। क्या बात है, दर्द से। बहुत खूब, वाह बहुत जाते मेहरबानी। एक बार स्वागत, तालियां बजाइए, फिर से ये पंक्तियां सुने। स्वागत अरे अजय भैया, टप टप टपाक, टप टप टपाक, आपको बहुत टपका कर गए हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। भैया का समय नहीं मिल रहा था, लेकिन बड़े निवेदन पर भैया जी यहाँ पर आए हुए हैं। एक बार जोरदार ताली अजय भैया के लिए बजा दीजिए। और चार पंक्ति पुनः मुझे उस पंक्ति को सुनाने का आदेश हुआ है। अगर आप भी सुनना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, तालियां बजा कर। सुनिएगा कि गरल पी कर रहे जिंदा, ये अपनी जिंदगानी है। हमारा दर्द से रिश्ता, ये रिश्ता खानदानी है। दर्द पे दर्द ही देती रही बेदर्द ये दुनिया, दर्द पे दर्द ही देती रही बेदर्द ये दुनिया। दर्द से गीत बन जाते, ये रब की मेहरबानी। दर्द से गीत बन जाते, ये रब की मेहरबानी है। और चार पंक्ति इस तरह की भी पढ़ती हूँ कि सुनिएगा। उन्हें आदत है नजरों में बसा करके गिराने की, उन्हें आदत है नजरों में बसा करके गिराने की। मेरी फितरत में शामिल है दर्द में गुनगुनाने की, मेरी फितरत में शामिल है दर्द में गुनगुनाने की। अहम के शून्य में बिन पंख क्या उड़ने से हासिल है, अहम के शून्य में बिन पंख क्या उड़ने से हासिल है। उन्हें भी सीखना होगा अदाएं, क्या बात है, वाह वाह वाह। सीखना होगा अदाएं मुस्कुराने की। बस दो मुक्तक और पढ़ना चाहती हूँ, अगर आप सब आदेश करते हैं तो। सुनिएगा कि तुम रहो जो साथ मेरे, आप सब मेरे आदरणीय हैं। ये चार पंक्ति मेरी आप सबके लिए समर्पित है कि तुम रहो जो साथ मेरे, डर नहीं सुनसान का। तुम रहो जो साथ मेरे, डर नहीं सुनसान का। और प्यार में सौदा नहीं करते नफा नुकसान का। बस कयामत तक रहे कायम हमारी दोस्ती, बस कयामत तक रहे मोल रब भी ना चुका पाए तेरे मुस्कान का। मोल रब भी ना चुका पाए तेरे मुस्कान का। और दो बेटियां बैठी हुई हैं मंच पर, मैं चार पंक्ति उन बेटियों के हवाले भी पढ़ना चाहती हूँ। सुनिएगा कि हैं बहुत रुसवाइयां तो क्या हुआ खुशियां भी हैं, हैं बहुत रुसवाइयां
तो क्या हुआ, खुशियाँ भी हैं ईंट पत्थर के शहर में, साधु की कुटिया भी है, नाम रोशन हो रहा बेटों से ये सच है मगर, नाम रोशन हो रहा बेटों से ये सच है मगर, नाज करने को जहां में अनगिनत बिठाए। वाह वाह वाह, क्या दृश्य है। वाह, माँ बेटी पर कविता पढ़े और बेटी आकर माँ की कविता का सम्मान करे, एक बार जोरदार तालियां बजे। वाह 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 वाह। भाई ऐसा मौका आदरणीय भैया ने दिया है कि बेटी माँ को माला पहनाए और माँ बेटी को माला पहनाए, क्या बात है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आइए एक गजल पढ़ करके अपना स्थान लेती हूँ, सुनिएगा कि सबसे रिश्तों को निभाना जिंदगी। संतोष भैया आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, संजेदना के मंच पे भी आप बहुत धूमधाम मचा देते हैं। आपको प्रणाम करती हूँ, नीरज भैया को नमन करती हूँ, आप सभी को नमन करती हूँ। सुनिएगा, सबसे रिश्तों को निभाना जिंदगी, सबसे रिश्तों को निभाना जिंदगी, सबसे रिश्तों है स्वयं को। आपको भी अच्छा लग रहा हो तो ताली वाली बजा के बताइए मुझे। सुनिएगा, सबसे रिश्तों को निभाना जिंदगी, सबसे रिश्तों को निभाना जिंदगी, है स्वयं को आजमाना जिंदगी, है स्वयं को आजमाना जिंदगी। शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। डूबे हों खुद गम के सागर में तो क्या, डूबे हों खुद गम के सागर में तो क्या, डूबे हों खुद गम के सागर में तो क्या, डूबे हों खुद गम के सागर में तो क्या, सबके सम्मुख मुस्कुराना जिंदगी। क्या बात है। सब मुस्कुराना जिंदगी, सबके सम्मुख मुस्कुराना जिंदगी। जी बताएं। अरे तुम आपको काम दूसर क्यों थोड़ो ना करे, अब बिया आप कर बे हनीमून नौकर थोड़ो बनावाई जाइए भाई। भैया संतोष जी ने माला दिया, धन्यवाद आपका। शेर फिर से पढ़ना चाहती हूँ, आप सबका ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा कि डूबे हों खुद गम के सागर में तो क्या, डूबे हों खुद गम के सागर में तो क्या, डूबे हों खुद गम के सागर में तो क्या। भैया जी आप मेरे जीवन के इस शेर को समझ पाएंगे, मैं आपको नमन करती हूँ राजन भैया। सुनिएगा कि डूबे हों खुद गम के सागर में तो क्या, डूबे हों खुद गम के सागर में तो क्या, सबके सम्मुख मुस्कुराना जिंदगी, सबके सम्मुख मुस्कुराना जिंदगी, है स्वयं को आजमाना जिंदगी। एक शेर पढ़ती हूँ, सुनेगा के वक्त तन्हा भी नहीं कट पाएगा, वक्त तन्हा भी नहीं कट पाएगा, वक्त तन्हा भी नहीं कट पाएगा, एक को अपना बनाना, एक को अपना बनाना जिंदगी। ये सच्चा शेर सुनिए संतोष भैया, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ताली वाली बजाते रहते हैं। सुनिएगा कि तकते तकते थक गई आंखें मेरी, तकते तकते थक गई आंखें मेरी, तकते तकते थक गई आंखें मेरी, अब जरा सूरत दिखाना जिंदगी।
क्या बात है। अब जरा सूरत दिखाना जिंदगी है स्वयं को आजमाना जिंदगी। और ये शेर पूरी तरह से मेरे ऊपर लागू होता है, सुनिएगा कि जब बुलाने पर भी कोई ना मिले, 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 लक्ष्य तक तन्हा ही जाना जिंदगी। क्या बात है। लक्ष्य तक तन्हा ही जाना जिंदगी है स्वयं को आजमाना जिंदगी। सबसे रिश्तों को निभाना जिंदगी है स्वयं को आजमाना जिंदगी। क्या बात है। है स्वयं को आजमाना जिंदगी है स्वयं को आजमाना। वाह 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 वाह।